पाकिस्तान इन दिनों अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके बावजूद पाकिस्तान कश्मीर पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में कश्मीर राग अल्पा, जिसके बाद भारत ने भी उसे करारा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि ने कहा कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि चाहे जो भी कहें या माने, संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, हैं और रहेंगे। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि हम इस प्रतिनिधि मंडल से कुछ भी नए की उम्मीद नहीं करते हैं, जो भारत की धर्मनिरपेक्ष साख और मूल्यों के खिलाफ असुरक्षा और नफरत से भरा हुआ है, जो भारत का आधार है। बता दें कि बीते साल नवंबर में भी पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन भारत के प्रतिनिधि ने पाकिस्तानी प्रोपोगंडा को माकूल जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के हताशा से भरे प्रयास और बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग करने की बुरी आदत सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है। वहीं जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुफ्ती ने कश्मीर के हालातों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दिल्ली की दूरी बढ़ गई है, इसलिए हमें अपनी परेशानियां सुनाने के लिए जम्मू से दिल्ली आना पड़ता है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने बहुमत को हथियार बना दिया है और देश के संविधान को तोड़ रही है। एकता कितनी हुई है यह नहीं पता, लेकिन तबाही बहुत हुई है। महबूबा ने आगे कहा कि मीडिया और न्यायपालिका को भी हथियार बना लिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज कश्मीर आपको अफगानिस्तान जैसा लगेगा, कश्मीर में बुलडोजर की वजह से आपको ऐसा लगेगा। उन्होंने कहा कि सारा काम बाहरियों को दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य है जहां लोग सड़क पर नहीं सोते थे, जहां लोग फ्री राशन के लिए लाइन में नहीं खड़े होते थे। जब से बीजेपी आई है, गरीबी की रेखा से ऊपर रहने वाले लोग भी गरीब रेखा के नीचे आ गए हैं। ताजा हमला हमारी जीविका पर हो रहा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये लोग जम्मू कश्मीर को फिलिस्तीन और अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। वहीं अमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण विरोधी अभियान में बुलडोजर के इस्तेमाल पर कहा, बुलडोजर का प्रयोग अंतिम उपाय के तौर पर करना चाहिए, पहला एक्शन नहीं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य सचिव किस आधार पर बुलडोजर भेज रहे हैं, जब सरकार ने अदालत में स्वीकार किया है कि ध्वस्त की जाने वाली संपत्तियों की सभी सूचियां फर्जी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जमीन पर अवैध कब्जे का समर्थन नहीं करती है, लेकिन बेदखली का एक तरीका है जिससे बेदखली की जानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि गिराई जाने वाली संपत्तियों की सूची सार्वजनिक की जाए ताकि लोग अपना दावा पेश कर सकें। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।